दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आई पी एल्स के साइड इफेक्ट्स क्या है। आई पी एल्स मोस्टली कॉमनली यूज होने वाली गर्भ निरोधक दवा, जिसके बारे में तो सभी को पता है। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है और ये मेडिसिन काफ़ी लोगों द्वारा यूज़ किया जा चुका है। लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में तो आपको पता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या क्या है इससे ज़रूर जान लीजिए, उसके बाद ये आई पी एल्स आपको लेनी चाहिए। आई पी एल्स लेने के बाद महिलाओं में देखा गया कि उनको चक्कर काफ़ी आता है। चक्कर भी आते हैं, पेट में दर्द होना, थकान होना, उल्टी आना, उसी के साथ साथ ही सिर में काफ़ी भारीपन लगना, ये सब मोस्ट कॉमन लक्षण है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा मात्रा में कोई आई पी एल्स लेता है तो उसमें मुहासे, उसके स्किन जो है उसमें मुहासे होती हैं। कई बार जो है स्किन के डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे कि स्किन की एलर्जी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बात करें पीरियड पे इसका क्या असर है, तो पीरियड पे भी इसके काफ़ी बुरे असर होते हैं, यानी कि पीरियड जो है रेगुलर नहीं होता, किसी महीने आए और किसी महीने पीरियड नहीं भी आ सकती है। उसके साथ साथ ही क्लॉटिंग का बनना, यानी कि जो खून के थक्के पीरियड के समय निकलते हैं वो काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, और इस वजह से पीरियड के समय काफ़ी पेन भी होता है। ये सारी चीज़ें हो जाती है आई पी एल लेने के बाद। अगर कोई महिला जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनमें तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और भी देखे जाते हैं। तो ये कुछ हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। तो आई पी एल्स को लेने से पहले हो जाइए सावधान और उसी के साथ डॉक्टर की सलाह से ही इसे लें। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन पे अपना जवाब और अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी, थैंक यू सो मच।